अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ का आज सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 देखें, पेज नंबर 88 पे आपका फाइनेंशियल अर्थमेटिक। फाइनेंशियल अर्थमेटिक इसके सबसे पहले आपका पेज नंबर 89 पे टैक्सेस की डेफिनेशन है, रीड आउट करते हैं। गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन अ स्टेट, किसी भी गवर्नमेंट को, हुकूमत को, रियासत को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए गवर्नमेंट कलेक्ट्स एन अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड्स देम फैसिलिटीज लाइक सिक्योरिटी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, डिफेंस, रोड्स, पार्क एक्सेट्रा। और इस मकसद के लिए गवर्नमेंट अवाम से एक रकम इकट्ठी करती है टैक्सेस की सूरत में, और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, सिक्योरिटी की, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की, डिफेंस की, रोड की और पार्क्स की। इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट लोगों को, अपनी पब्लिक को। दिस अमाउंट इज़ कॉल्ड टैक्स, इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इस रकम को टैक्स कहते हैं। वी पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हम डिफरेंट टाइप के टैक्सेस पे करते हैं, बट हेयर वी शैल डिस्कस ओनली प्रॉपर्टी टैक्स एंड जनरल सेल्स टैक्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ दो तरह के टैक्सेस को, प्रॉपर्टी टैक्स को और एक जनरल सेल्स टैक्स को। सबसे पहले देखें प्रॉपर्टी टैक्स एंड जनरल सेल्स टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स की डेफिनेशन देखते हैं। द टैक्स विच इज़ रिसीव्ड ऑन अ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स। जो प्रॉपर्टी पे रिसीव किया जाता है, प्रॉपर्टी पे लिया जाता है टैक्स, उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इज़ अ प्रोविजनल टैक्स पेड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। प्रोविंशियल टैक्स सूबाई टैक्स है जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू पे किया जाता है, मींस कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी जितनी वैल्यू है उस हिसाब से पे किया जाता है, उस रेट से। इट इज़ जनरली पेड एट द फ्लैट रेट ऑफ 2%। इसको जनरली आमतौर पे 2% के फ्लैट रेट पे किया जाता है, बट द टैक्सेस टैक्स रेट वेरीज। टैक्स के रेट्स चेंज होते रहते हैं, वेरी मीन्स चेंज, डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस, मतलब कि प्रोविंस पे डिपेंड करता है और उस लिहाज से वो चेंज होते हैं, सूबे पे डिपेंड करता है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज़ 6,200,000 एट द रेट ऑफ 0.8%। मतलब कि प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है, 6,200,000 है, उस पर इस रेट से हमने टैक्स फाइंड आउट करना है, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स पे करना होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन, इसके हल की तरफ चलते हैं। वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है, प्राइस कितनी है, मीन इक्वल्स टू 6,200,000 रुपीज़। टैक्स रेट हमारे पास गिवन है 0.8% टैक्स से हमने प्रॉपर्टी पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, प्रॉपर्टी टैक्स 0.8% ऑफ 6,200,000। 0.8% इस प्राइस पे हमने पे करना है। 0.8% मींस पर डिवाइडेड बाय सेंट का 100, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट का हमने 1 एंड ये पॉइंट के बाद एक वैल्यू 0, तो 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 1000 आ जाएगा। 8/1000 इस तरह से आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी की वर्थ से मल्टीप्लाई करवा दिया 6,200,000 से, जब इसको मल्टीप्लाई किया ये 30 से कैंसिल, सिंप्लीफिकेशन की 6,200 को जब मल्टीप्लाई 8 से करवाएंगे 49,600 रुपीज़ हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वन आ जाए, प्रॉपर्टी टैक्स की एग्जाम्पल हमने देख ली। पेज नंबर है आपका 90 पे जनरल सेल्स टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स की डेफिनेशन है द टैक्स अ बायर पेस टू द सेलर। सेलर को उसने पे करना होता है, बायर ने, एट द टाइम ऑफ बाइंग थिंग्स, चीज़ों को खरीदते वक्त जो चीज़ें खरीद रहा है उसने, जिससे खरीद रहा है उसको टैक्स पे करना होता है, उसको कहते हैं इज कॉल्ड जनरल सेल्स टैक्स। लाइक हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर जो हम टैक्स पे करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं उस पर, उसको कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स इज़ इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परसेंटेज ऑफ बाय द सेलिंग प्राइजेज ऑफ थिंग्स। मतलब कि प्राइजेज जो थिंग्स की हैं उसके अकॉर्डिंगली इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है, गवर्नमेंट लगाती है चीज़ों पर। इन पाकिस्तान इट्स रेट वेरीज फ्राम 0% to 25%। इसका रेट बदलता रहता है, 0% से लेकर 25% तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द एग्जेम्पशंस एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो जिस किस्म की चीज़ें ली जा रही हैं उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगाया जाता है। सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे इसकी, एग्जांपल नंबर 3, स्लिम बॉट अ कार फॉर
₹875,000 and paid 70% as general sales tax. How much tax did he pay? Tax उसने कितना pay किया है इस car की price पे, वो हमने find out करना है. Price of the car हमारे पास given है 875,000 and tax उस पर imposed किया गया कितने percent? 75% के rate से tax है. General sales tax हमने find करना है उसने कितना pay किया है इस car की price पे, वो हमने find करना है question mark. And general sales tax 70% of rupees कितने पे? 875,000 पे 17% है हमारे पास. 17% means per का means divided by cent means 100 से divide कर दिया और multiply करवा दिया 875,000 से. तो ये zero 800 के दो zero, इन दो zero से cancel. Next बाकी 17 को जब हमने multiply करवाया 8,750 से तो हमारे पास आ जाएगा 148,750 rupees. ये हमारे पास टैक्स आ गया. मींस के एक कार की प्राइस अगर 875,000 है तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा 148,750 rupees. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर. देखें ज़रा, द स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान इज 17%. स्टैंडर्ड रेट जो है वो सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स है पाकिस्तान में 17%. नेक्स्ट आ जाए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट करते हैं. 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें. कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द कस्टमर हैज़ टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद अ 16% जनरल सेल्स टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट. एक आर्टिकल मींस के कोई भी चीज़ गिवन है उस पर 16% जनरल सेल्स टैक्स के हिसाब से हमने टैक्स फाइंड आउट करना है कि कितना पे करना पड़ेगा. कैलकुलेट द प्राइस दैट अ कस्टमर हैज़ टू पे, मतलब कि टैक्स इंक्लूड करके कस्टमर को कितनी प्राइस पे करनी पड़ेगी. फुटबॉल पे लाइक फर्स्ट वन है क्वेश्चन हमारे पास, फुटबॉल इक्वल्स टू ₹800. फुटबॉल है हमारे पास ₹800 का, उस पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा. टैक्स के साथ इंक्लूड करना है, टैक्स को इंक्लूड करके कितनी प्राइस पे करनी पड़ेगी कस्टमर को. देखें ज़रा, फुटबॉल इक्वल्स टू ₹800 प्राइस ऑफ द फुटबॉल. फुटबॉल की प्राइस ₹800 गिवन है. जनरल सेल्स टैक्स हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क. रेट क्या है? रेट गिवन है हमारे पास 16% के रेट से हमने जनरल सेल्स टैक्स फुटबॉल ₹800 की प्राइस पे फाइंड आउट करना है. जनरल सेल्स टैक्स 16% ऑफ ₹800 पे 16% के हिसाब से सेल्स टैक्स है. 16 divided by 100% का 100 डिवाइड करवा दें एंड मल्टीप्लाई 800 से कर दिया क्योंकि 800 पे फाइंड आउट करना है हमने. ये जीरो जीरो से कैंसिल हो गए. 8 multiply by 16 किया 128. अब देखें प्राइस ऑफ द फुटबॉल विद टैक्स. फुटबॉल की प्राइस टैक्स के साथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? 800 में 800 फुटबॉल की प्राइस थी, टैक्स उसके ऊपर कितना पे करना पड़ेगा? 128. 800 plus 128 कर दिया हमारे पास आ गया ₹928. मीन्स ये टैक्स आपने पे करना है फुटबॉल की प्राइस पे. फुटबॉल की प्राइस और टैक्स इंक्लूड करके फुटबॉल की टोटल प्राइस ये हो जाएगी. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 3 and 4. ये भी डिफरेंट आर्टिकल्स की आपकी को प्राइजेस गिवन है. इसी तरह से आपने टैक्स फाइंड आउट करना है, टैक्स में रियल प्राइस ऐड कर लेनी है और वो प्राइस इंक्लूड करके पे करनी है. ये तीनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं 7 क्लास, बिल्कुल सिमिलर हैं जिस तरह हमने फुटबॉल वाला क्वेश्चन किया. नेक्स्ट देखें, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹948,000 एट द रेट ऑफ 1.5%. प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड आउट करने हैं. प्रॉपर्टी की वर्थ ये है और रेट हमारे पास गिवन है 1.5%. हमने एग्जांपल पीछे प्रीवियस कर चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से है. इजी सा सॉल्यूशन देखें इसका, इसके हल की तरफ चलते हैं. वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है? 948,000. रेट टैक्स का रेट हमारे पास गिवन है 1.5% एंड प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड आउट करना है कि कितना पे करना पड़ेगा उसको. इतने प्राइस है अगर प्रॉपर्टी की तो वो फाइंड आउट करेंगे 1.5% ऑफ 948,000 पे 1.5% के लिहाज से प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करेंगे. 1.5 पॉइंट का पॉइंट को कैंसिल किया 1 और पॉइंट के बाद एक वैल्यू एक जीरो लगा दिया हमने साथ और परसेंटेज का 100 जब डिवाइड कराया इस तरह से हमारे पास 10 multiply by 100 आ जाएगा और 948,000 से इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे जीरो जीरो से कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और 948 को मल्टीप्लाई करवा दिया जब 15 से तो हमारे पास आ जाएगा ₹14,220. प्रॉपर्टी टैक्स मींस के इतना पे करना पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी की वर्थ ये है तो. इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है. ईजी से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन आपने 7 क्लास दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 उसके 4 के 4 पार्ट्स,
फर्स्ट वाला मैंने किया है, थर्ड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है। एंड क्वेश्चन नंबर टू प्रॉपर्टी टैक्स का, ये दोनों क्वेश्चंस आपने नीट कॉपीज पे नीटली होमवर्क भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, आज के लिए आपका काम बस इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।